धर्म जागरण समन्वय द्वारा नारी शक्ति सम्मेलन का आयोजन सिविल लाइन स्थित एक निजी मैरिज हॉल में किया गया, जिसके संबंध में धर्म जागरण समन्वय के प्रमुख तारकेश्वर ने बताया कि नारी शक्ति सम्मेलन का कार्यक्रम किया गया श्रद्धा जैसे कांड समाज के अंदर न हो, इसलिए नारी शक्ति को लव जिहाद मतांतरण जैसे घटनाओं के लिए जागरूक किया गया। उन्होंने कहा कि मतांतरण से देश को खतरा है, यहाँ के हिंदू घटा है, देश बटा है, इसलिए देश को बचाना है और मतांतरण को रोकना है। इसके लिए समाज को और जागरूक करने की आवश्यकता है। देश में जनसंख्या असंतुलन, लव जिहाद, मतांतरण बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी नारी शक्ति अपने घरों में हिंदू संस्कार बढ़ाएं और लव जिहाद एवं मतांतरण जैसे राष्ट्र विरोधी कामों के प्रति समाज को जागरूक करें। मतांतरण लव जिहाद राष्ट्र विरोधी कार्य है, इससे समाज के साथ साथ देश को खतरा है। इस अवसर पर प्रांत प्रचारक दुर्गेश त्रिपाठी, पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे, रीता श्रीवास्तव, पारुल दुबे, विजय खेमका, राहुल गुप्ता, मीरा शुक्ला, अमित गुप्ता, अंजू चौधरी सहित अन्य नारी शक्ति महिला मौजूद रहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय की प्रोफेसर दिव्या रानी सिंह एवं धर्म जागरण समन्वय के प्रमुख तारकेश्वर ने कहा, तो कबीर जी ने अपनी धुनी रमाई तो बुद्ध भगवान बुद्ध ने भी अपना कुशीनगर में उन्होंने अपना स्थान को महत्व दिया। और तो और यहाँ पे अगर हम महावीर जी की बात करें, संत को संत जी थे, उन्होंने माता ज्वाला के यहाँ जो खिचड़ी बनाने की व्यवस्था करने के लिए उन्होंने कहा, धरती पे आते हैं तो वो यही के होके रह जाते हैं। ऐसी पुनीत और पावन धरती में आपको आपके स्वस्थ जीवन की कामना के साथ आज के मुख्य अभ्यागत माननीय श्याम कुमार जी, जो अखिल भारतीय धर्म जागरण मंच के सह संयोजक हैं, जिनका केंद्र चेन्नई में है, आपका स्वागत अभिनंदन वंदन करती हूँ। ढेर सारे आभार के साथ कि आप आए और हम महिलाओं का सम्मान के लिए, हम नारी को एक दिशा का पूरी तरह से, कहीं हम लोग कमजोर न पड़े उसके लिए आप यहाँ आए हैं, आपका स्वागत है। स्वागत है मंचा सिंह हमारी बहन प्रोफेसर, जो गृह विभाग में बच्चियों को एक नई ऊर्जा के साथ, और आप अच्छी समाज सेविका भी हैं, आज बच्चों का एग्जाम चल रहा है यूनिवर्सिटी से लेकर कॉलेजेस, आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। स्वागत करती हूँ बहन अमिता जी का, श्वेता जी का, मनीषा जी का, चंचला जी का, क्षमता देती है। और उस समय की ये बात है जब संतोषी माता का हुआ था, घर घर में माँ संतोषी की पूजा होने लगी, यहाँ तक कि शुक्रवार को बाजार में से टमाटर बिकना बंद हो गया था, यह आप सबको पता है। खैर हम लोग तो छोटे थे, लेकिन हमें भी पता है कि कोई दही नहीं जमता था, यहाँ तक कि हमारे यहाँ दही छुआ भी नहीं जाता था कि नहीं आज शुक्रवार है, माँ संतोषी का पूजा है। उन्होंने एक ऐसा दिखा दिया, और पहली जो जो एक शहीद कहा जाता है वो महारानी लक्ष्मीबाई के। भाई साहब श्याम कुमार जी, और मैं आपका सादर अभिनंदन करती हूँ, आज मंच पर विशेष अतिथि की भूमिका में है और निरंतर कुछ न कुछ करती रह रही हैं नारियों को लेकर के, खासकर मैं उनका भी अभिनंदन करती हूँ। अनीता जी, जिनको मैं बहुत वर्षों से जानती हूँ, जिन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी है, अमिट छाप छोड़ी है अपने वक्तव्यों से, संचालनों से, उनसे भी बहुत कुछ सीखा है। ये आपसे कहना चाहती हूँ कि आप सभी अपने अपने संतानों के साथ कितना व्यक्त बताती हैं। आप इस पर पहले खुद का मंथन करिए कि आप अपनी संतानों को कितना समय देती हैं। समय दो भागों में बांटा जा सकता है, एक होता है क्वांटिटी कि हमने आज 10 घंटे दिए, 12 घंटे दिए, और एक होता है क्वालिटी कि जिन मुद्दों को लेकर के आज हम यहाँ पर बैठे हैं वो मुद्दे कभी खत्म नहीं होंगे। अगर हम अपने समाज की सबसे छोटी इकाई जो परिवार है वहाँ पर उस समय की सार्थकता को जागृत नहीं करेंगे, लोग आते हैं इसीलिए उनकी संख्या बढ़ती है, हिंदुओं की संख्या घटती है। और तीसरा कारण है ये फर्टिलिटी रेट यानी प्रजनन दर,
प्रजनन दर हिंदुओं में कम है, बहुत कम है। भारत में अभी भारत का प्रजनन दर है 2.2 यानी जो जन्म लेने वालों की संख्या और मरने वालों की संख्या समान है, ये प्रजनन दर है। अभी हिंदुओं की संख्या यहाँ पर अभी 2.2 है प्रजनन दर, लेकिन मुसलमानों की प्रजनन दर आज देश में 3.5 है। इतने प्रमाण में उनका संख्या बढ़ रहा है। प्रजनन दर यानी इसका अर्थ मैं बताता हूं आपको, एक महिला अपने जीवन काल में कितने लोगों को जन्म देती है, इसको प्रजनन दर कहते हैं। तो हिंदू महिला आज एक दो ऐसे लोगों को, बच्चों को जन्म देती है, लेकिन मुसलमान की महिला 6, 7, 8, 10 लोगों को जन्म देती है। तो ये फर्क है, ये डिफरेंस है हिंदू और मुसलमान के प्रजनन दर में। अब देखिए 1960s के पूर्व यानी 60 के दशक के पूर्व, किसी को आप पूछिए जो किस 60 के दशक के पूर्व जन्म लिया है, आपके कितने भाई बहन थे, तो बताते हैं हम 7 लोग थे 8 लोग थे, 7 बहन 7 भाई 2 बहन, ये सब पता यानी हर घर में 7, 9, 10 ऐसे बच्चे रहते थे। लेकिन 70s में 70 के दशक में पूछे तो 5-6 लोग बताते हैं। मैं प्रोफेसर दिव्या सिंह पूरा प्रवेश, धर्म जागरण मंच के तहत नारी शक्ति सम्मेलन है, जिसमें महिलाओं को जो हम महिलाएं हैं वो अपने संस्कारों के प्रति किस तरह से संवेदनशीलता के साथ अपने अपने घरों में अपने संस्कारों को स्थापित करें और साथ ही अपने बच्चों में उसकी शिक्षा दें कि हम कैसे अपने जड़ों तक जो हमारे आप कह सकते पूजा पाठ की विद्याएं हैं, हमारे धर्म संस्कार हैं, हमारे जो धार्मिक किताबें हैं, उनको कैसे ऐसे नींव डालें कि बच्चे जो हैं हमारे धर्म, हमारे जो सनातन धर्म की जो रीत है उसको बचा के रखें और उसको एक टॉर्च बेरर के रूप में समाज में फैलाएं। तो यहाँ पे चूँकि महिलाओं जो हमारे समाज का सबसे छोटी इकाई परिवार होती है, तो हम लोगों की भूमिकाएँ अहम हो जाती हैं और हम इस भूमिका को सही ढंग से अपने कर्तव्यों के साथ निर्वहन कर सकते हैं। तारकेश्वर प्रांत प्रमुख धर्म जागरण संबंध में गोरक्ष प्रांत, यह धर्म जागरण के बैनर पर यह एक नारी शक्ति सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है श्रद्धा जैसे कांड दोबारा समाज के अंदर न हो, इसलिए नारी शक्ति को लव जिहाद मतांतरण जैसे घटनाओं से जागरूक करना ही इसका उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य के साथ ये कार्यक्रम, पहला कार्यक्रम अभी मैंने गोरखपुर में नारी शक्ति सम्मेलन पर रखा है कि लव जिहाद के विषय में लोगों को बताया जाए। महिलाओं को संदेश देना चाहिए कि महिलाओं को अपने संस्कृति रीति रिवाज परम्परा और अपने जो पारिवारिक संबंध है उसको मानना चाहिए और अपने परंपरा रीति रिवाज से बाहर नहीं जाना चाहिए। भारतीय संस्कृति की परंपरा है कि उनके शादी ब्याह जैसे जो निर्णय होते हैं माँ बाप लेते हैं, अगर स्वयं भी लेता है लगता है कि हम सक्षम हैं, हम स्वयं भी लेते हैं, तो ऐसे जगह पर आंख बंद करके वह विश्वास करें कि जिससे श्रद्धा जैसे दोबारा इस प्रकार के कांड हो उन सब चीज़ों से बचाव के लिए नारी शक्ति को स्वयं भी जागरूक होना और दूसरों को भी जागरूक करने का कार्य है।